दिमाग खराब हो गया यार, सुबह से बारिश फिर धूप फिर बारिश। एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि सुबह से 3 बार मैं बारिश में नहा चुका हूँ। तो चुका इसका टायर फूट गया, बड़ी भयंकर आवाज आई थी यहाँ से फटाफट से। के दिल का रिहाए कोई ये बताए क्या होगा। आज हम आपको, अगर आप कैंप में आते तो अगर आपके पास चक्कू नहीं है तो कैसे कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय उत्तराखंड। आज हम हल्द्वानी से छोई रामनगर में हनुमान धाम है वहाँ जा रहे हैं। बारिश इतनी तेज हो गई थी, हमने अभी उम्मीद छोड़ दी थी, हमने सोचा था कि हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब बारिश रुक गई है, धूप निकलने लगी है, तो हम सोच रहे हैं कि जाएं। हमने अपना प्लान आगे को बढ़ाया। हमारे जो बाकी के साथी हैं वो अभी मुखानी चौराहे पर हमें मिलेंगे। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:15, तो मुखानी चौराहे पर उनसे मिलते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। दिमाग खराब हो गया यार, सुबह से बारिश फिर धूप फिर बारिश और अभी धूप। मौसम साफ होने की बहुत सारी, मतलब 80% संभावना है मौसम साफ हो जाएगा। अभी आप लोग जो जगह देख रहे हैं जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, ये इसे तिगौनिया कहते हैं। अगर जो लोग हल्द्वानी में रहते होंगे उनको तो पता होगा, या जो यहाँ आए होंगे हल्द्वानी उनको पता होगा इस बारे में। तिगौनिया है यहाँ का मुख्य चौराहे में से एक है। नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आज हम हनुमान धाम की तरफ को जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सफर मुझे लग रहा है, सुबह बारिश का आसार थे, जैसा भी आप मौसम देख सकते हैं धूप खिल चुकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम योगेंद्र नेगी है और जैसा कि आप देख सकते हैं हम सबके सब आज हनुमान धाम पर साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं। और सुबह से एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि सुबह से 3 बार मैं बारिश में नहा चुका हूं, तो इसी के साथ हम मिलते हैं फिर आगे के सफर में। तो अभी हमारे साथ ही सब लोग मिल चुके हैं हमें, ठीक है। एक हमारी दोस्त भी आई है, जा रहे हैं। यहाँ से जो हनुमान धाम की दूरी है वो लगभग 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर जाना 60 किलोमीटर आना, रामनगर के करीब पड़ता है। शायद मेरे ख्याल से अभी इन लोग का नाश्ता करने का प्लान बना है, बोल रहे हैं पहले घर से कुछ खा के नहीं आए हैं तो पहले नाश्ता करते हैं। इनके ड्रामे ही ड्रामे हैं यार, पता नहीं कब तक इनके ड्रामे सहने पड़ेंगे, पता नहीं कब चलेंगे यहाँ से। अभी 8:15 बज चुका है, हल्द्वानी शहर से चलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी बोल रहे हैं स्नैक्स में जाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, हल्द्वानी के फेमस छोले भटूरे आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो पहले नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं, मिलते हैं। राइडर भी मिल गए, देखिए आ रहे हैं एक के बाद एक, कोई साथ भी चल रहा है हमारे साथ में, बहुत सारे राइडर आ रहे हैं। बाकी हमारे राइडर कहाँ हैं हमें नहीं पता, पता नहीं कितना पीछे रह गए हो। अभी हल्द्वानी से लगभग हमारी 6-7 किलोमीटर की राइड पूरी हो चुकी है। अभी हमें त्रिमूर्ति मंदिर में, कमलवा गांजा इस जगह का नाम है, त्रिमूर्ति मंदिर कहते हैं। यहाँ पे अभी हमारा जो 5वां साथी है वो यहाँ पे भी आने वाला है, बस 5 मिनट में पहुंचने वाला है, तो उसका वेट चल रहा है। सो गाइस, अब हम चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर और ये कुछ नज़ारे हैं इस साइड के आप देख सकते हैं जैसे, और हम अभी धीरे धीरे करके धीमे धीमे से अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो साथियों, हमारे साथ के 2 जने और यहाँ पहुँच चुके हैं और ये हमारी टीम है। अब ये हम सीधे काला ढूंगी पे रुकेंगे और देख सकते हैं यहाँ से आगे को पूरा जंगल है, इसको हम पूरा कवर करते हुए चलेंगे। बोलो बजरंग बली की जय।
तो इस वक्त का सबसे बड़ा सीन हो चुका है हमारे साथ में। देव भाई बताएंगे आप लोगों को क्या हुआ है। भाई क्या हुआ है? ये पंचर हो चुका है, इसका टायर फूट गया, बड़ी भयंकर आवाज आई थी यहाँ से, बट ऐसे से कट भी लगा देखिए इसकी। ये तो बड़ी दुखद खबर है भाई। कैसा फील कर रहे हैं भाई साहब? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, हंसू की रहूं पर जो भाई हम तो पूरे मजे लेंगे। तो कितना टाइम लगेगा इसमें? देख जी कितना टाइम लग जाएगा। लगेगा यार 5-10 मिनट लगते हैं ऐसे भी टायर सही में। बस हो गया, 5 लग जाएगा ना। हाँ पंचर जोड़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से, जो भी है करना पड़ेगा, करवा लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। हो सकती है बाबा, हो सकती है। कर दिया डॉक्टर साहब ने, अब यहाँ छोटे हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं हो रहा है, इसका दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया डॉक्टर साहब ने। तो अभी हम सब लोग जितने चार लोग चारों को अंदर ले जाएंगे इसको, तो दूसरे हॉस्पिटल में मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? नहीं नहीं तू चले जा बेटा, घर चले जा तेरी, ऐसे हमने आधा घंटा लेट कर रखा, देख सकते सर 6 बजे का टाइमिंग था और ये लौंडा 8 बजे पहुंचा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऊपर से टायर फाड़ दे रहा, टायर फाड़ दे रहा। डालो सही, डालो से। योगी ने अपनी साइकिल बना ली। योगी भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है तो तैयार हो फिर आगे का सफर तय करने के लिए? फैंसी की साइकिल धोखा दे गई यार, बस लड़की साइकिल थी भाई साहब, तभी धोखा दे दिया। मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। वाह क्या शब्द कहे थे हमारे इरफान सर ने, करीब आशिक की कलम से। दोस्तों अभी हम जिस जगह में मौजूद हैं इसको कॉर्बेट फॉल के नाम से जानते हैं। कॉर्बेट फॉल मतलब इस एरिया को, जितना एरिया है यहाँ को कॉर्बेट एरिया कहते हैं, जिम कॉर्बेट के नाम से यहाँ का, इस एरिया का नाम कॉर्बेट पड़ा। तो अंदर यहाँ से 1.5 किलोमीटर लगभग अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉल है, बहुत खूबसूरत फॉल है यहाँ, इसको देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हल्द्वानी से लगभग 35 किलोमीटर दूर पर है ये। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर और हमारी पूरी मंडली भी पहुँच। दोस्तों आप कभी कॉर्बेट फॉल आओगे तो कॉर्बेट फॉल का जो गेट है उसके जस्ट बाहर पे ये भाई अपना नींबू सी गंजी का ठेला लगाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक जी। दीपक अपना नींबू सिकंजी का ठेला लगाते हैं, सोडा सिकंजी। तो और छोटी सी आप एक रेडी है, तो जब भी आए इनके यहाँ सोडा जरूर पीना, बहुत टेस्टी बनाते हैं, सब लोग आना और यहाँ पर जरूर पीना। ठीक है दीपक भाई का, थैंक यू दीपक भाई। साथ घटा के संग संग, ओ मुझे लेके साथ चल तू, समर दिन रात चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, बसाती चल। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल कर हाय कोई ये बताए क्या होगा। हमारे देवेश जी अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जामुन तोड़ने में प्रयासरत, गौर से देखिए इनको। वाह अभी हमें तोड़ के सैंपल दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। पहले सैंपल दिखाइए थोड़ा दर्शकों को हमारे। बहुत बढ़िया है, टेस्ट कैसा है? ये तो पीपल के पेड़ में लगे हैं जामुन। जामुन खाएगा? जामुन तोड़ रहे बताओ, पहाड़ के ज्यादा दूर नजदीक है, छोटे जामुन यहाँ पर आते वक्त यहाँ पर झरना है। अरे एक नहीं बहुत सारे झरने हैं, बराती रो है, लद्दुआ गाड़ है, कॉर्बेट फॉल है।
जा भाई मत जा। अरे मत जा, देखो अगर इसको कुछ होता है तो मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ। वाह देखिए लगान लगान कितने खूबसूरत है जामुन। खड़े हैं, क्या नाम है भैया जो तुम्हारा? अमित भैया जी खड़े हैं, ये कह रहे हैं ये हमें अपनी टोकरी से आम खिला रहे हैं, इनकी तरफ इनकी तरफ से हमें गिफ्ट है, लाओ ले लो। अरे तुम आम तो ले लो, तब तक आम लो। थैंक यू अमित भाई आपका बहुत बहुत। और वीडियो देखने के लिए उत्तराखंड ट्रैकर को सब्सक्राइब कर देना, उसमें हमारी वीडियो आएगी। हम है हाँ उत्तराखंड ट्रैकर्स में ना, उत्तराखंड ट्रैकर्स है उसको सब्सक्राइब करना, उसमें हमारी हल्द्वानी से हमारे अजय कुमार से ना ठीक हो गया। तो दोस्तों अजय कुमार को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अजय कुमार जी हमारे साथ में खड़े हैं ठीक है, इनका चैनल भी है यूट्यूब में। तो यहाँ पे आम इतना टेस्टी हो रहा है ना, मैं और सबसे घर जैसे घर में हम करते हैं सबसे बड़ा आम मैंने खाया। अच्छा तो सबसे बहुत टेस्टी आम है अमित की तरफ से हमें गिफ्ट कराया, अमित भाई की तरफ से, अमित का ये बगीचा है यहाँ पे तो अमित की तरफ से हमें गिफ्ट है। अमित की दुकान थोड़ा सा यहीं पे आगे पे ही है, धमौला से थोड़ा आगे पे। तो हमारी आम पार्टी चल रही है, चलो मैं भी खाता हूँ, आप लोग को टेस्ट करके बताता हूँ। वो वाली वीडियो बनाई इसमें बताऊंगा। आज हम आपको, अगर आप कैंप में आते तो अगर आपके पास चक्कू नहीं है तो कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है? गाइस रामनगर से लगभग 15 किलोमीटर पहले एक जगह आती है, बैल पड़ाव कहते हैं इसको, दिस इज फंड बैल पड़ाव है। लगभग कालाडूंगी की जितनी मार्केट है यहाँ पे, दुकानें यहाँ पे फ्रूट्स सब्जी और जो डेली सामान होता है उन चीज़ों की दुकान है यहाँ। मार्केट यहाँ के लोगों का रामनगर ही है, जो ज़्यादा बड़ा अगर सामान लेना पड़ता है तो इनको मार्केट ही मार्केट के लिए रामनगर जाना पड़ता है। तो ये बैल पड़ाव है, लेफ्ट का रास्ता जाता है, ये बाजपुर को भी जाते हैं, हमें सीधे जाना है रामनगर, यहाँ से भी 14 किलोमीटर दूर है तो हमें सीधे जाना है रामनगर की तरफ को। हाँ साथ वाले बैठे हैं, थके चूर हो रखे हैं बेचारे बहुत, और आगे अभी चलना है 8-9 किलोमीटर चलना है। हाँ भाई ज़्यादा मत खोल देना, आओगे आगे से? हाँ क्यों नहीं। कितने सोचा कि अब आगे से मैं नहीं आऊँगा? नहीं सर हमें तो और मजा है, मैं तो सोच रहा हूँ अभी हम नानक मत्ता जाएंगे अगले हफ्ते। अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, अभी पहले ये तो पहले वहाँ से चलो, ये तो देखो पैर। तो लौंडो का जोश बहुत हाई है लेकिन ये चला नहीं पा रहे हैं, थक जा रहे हैं। मिलते हैं आगे चल के।